सिख बौद्ध पारसी के ऊपर क्या अत्याचार पाकिस्तान में होता है वो समझ नहीं पाएगी, कतई समझ नहीं पाएगी। इसीलिए तो इसीलिए पाकिस्तान में हाफिज सईद कहता है आई लव कांग्रेस पार्टी, आई लव कांग्रेस पार्टी। ऐसे ही थोड़ी हाफिज सईद प्यार करता है आपके पार्टी से, और कुछ पत्रकारों से भी प्यार करता है हाफिज सईद। आप जानते हैं ना किससे प्यार करता है? जवाब दे दूं भाई, इसीलिए नवाज शरीफ की बिरयानी खाने गए थे क्या? प्यार, वो प्यार क्या था? शॉल क्यों ओढ़ रहे थे नवाज शरीफ की? वहां बिना बुलाए क्यों पहुंच गए थे नवाज शरीफ के घर? उसी ले गए थे क्या पाकिस्तान? किसीलिए इमरान खान की सरकार बोलती है कि मोदी जी सबसे बेहतरीन रहेंगे हमारे लिए, हमारे रिश्तों के लिए? क्या ये प्यार है? अंदर से ऐसे प्यार करते हो? और बात बता रहे थे, मैं बार बार पूछ रहा हूं, धार्मिक उत्पीड़न क्या वस्त्र देख के बताएंगे मोदी जी जो नई डिग्री लेके आए हैं? लोगों को बोलते हैं 1970 के पहले के डॉक्यूमेंट लाओ एनआरसी के लिए, 19 लाख लोगों को घुसपैठिया करार दे दिया। किसने आपको राइट दिया 19 लाख लोगों को घुसपैठिया देने का? ये क्या राइट आपको किसने दिया? 19 लाख लोगों को घुसपैठिया नहीं है, आपके दिमाग में गलत घुसपैठिए घुस गए हैं, उनको निकालो और लोगों की सेवा में अपना काम करो। 19 लाख में 15 लाख हिंदू है किशोर जी, 15 लाख हिंदू। मेरे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के हिंदू लोगों को घुसपैठिया बना दिया, उनको बोलते हैं 1970 के पहले के डॉक्यूमेंट लाओ। मैंने कल भी इनसे पूछा था एक चैनल पे, आज मुझे लगा तैयारी करके आए होंगे, भैया उनके डॉक्यूमेंट तो मंगा लेंगे, उनके डॉक्यूमेंट तो आ जाएंगे, पर ये मोदी जी की डिग्री तो उसका डॉक्यूमेंट तो तुमको मिलता नहीं है, ये स्मृति ईरानी की 10वीं की डिग्री का डॉक्यूमेंट मिलता नहीं है, और लोगों से बोलते हो 1970 के डॉक्यूमेंट लेके आओ, स्मृति ईरानी का 10वीं का डॉक्यूमेंट लाओ, फिर हम सब दिखाएंगे आपको, मोदी जी की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दिखाओ, फिर हम आपको एक एक 1970 के पहले के डॉक्यूमेंट। एक लाइन और बोलने दीजिए क्योंकि लंबी बातें करते हैं, अभी मोनो एक्टिंग करेंगे, हास्य कविताएं सुनाएंगे, इसलिए सुनना जरूरी है इनको। एक लाइन, बार बार बोल रहे हैं एनआरसी और सीएबी में सीएए का कोई रिलेशनशिप नहीं है, एनआरसी में हो गए फेल, 40 लाख लोगों को पहले बोला कि ये घुसपैठिए हैं, उसमें कौन थे पता है किशोर जी? हमारे राष्ट्रपति के परिवार को घुसपैठिया बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजों के परिवार को घुसपैठिया बोल दिया, आसाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को घुसपैठिया बोल दिया, फिर 40 लाख से 19 लाख कर दिया। ये आपकी मर्जी आती जो होता है क्या? वस्त्र पहन के नीति नियत नहीं होती, दिल देखो लोगों का और भारत के प्रति सम्मान देखो, ये मत देखो इनकी सिटीजनशिप का एक ही क्राइटेरिया, इनकी सिटीजनशिप का एक ही क्राइटेरिया बोलो, जैसे वो फिल्मों में हिंदी फिल्मों में आता है ना, बोलो मुगैम्बो जिंदाबाद, तो इनकी सिटीजनशिप के लिए बोलो अमित शाह जिंदाबाद, तो सिटीजनशिप ये नहीं चलेगा देश में, संविधान का राज चलता है इस देश में, आप चाहे जो कर लो। हो गया, एक सेंटेंस मांगा था आपने, देखिए कितनी समझ।